हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई हो बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास देख रहे हैं, जिसमें बेहतरीन प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। और आज भी आपके प्रश्न बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। सारे प्रश्न आयोग के बार बार पूछे हुए हैं और आगे भी बार बार पूछे जाएंगे, तो क्लासेस को ध्यान से देखना है और बहुत ही शानदार तरीके से उत्तर देने का प्रयास करना है। और आज का आपका पहला प्रश्न है, नर बलि प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून किसके शासन काल में बनाया गया था? आपको बताना है बच्चा लोग, इसमें से कौन से गवर्नर जनरल हैं जिनके टाइम पीरियड में बनाया गया था नर बलि प्रथा को समाप्त करने का कानून? आपके सामने ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग, तीसरा है लॉर्ड वेलेसली और चौथा है लॉर्ड कॉर्नवालिस। फटाफट कमेंट करेंगे कौन से गवर्नर जनरल हैं जिनके टाइम पीरियड में बना है नर बलि प्रथा के खिलाफ कानून। उम्मीद है कि आप लोग इसका उत्तर देने में सक्षम होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो फटाफट कमेंट कीजिएगा। और आसान है और हो सकता है आप लोग थोड़े कन्फ्यूज़ हो, क्योंकि यहाँ पे दो गवर्नर जनरल ऐसे हैं जिन्होंने नर बलि प्रथा को रोकने का प्रयास किया है, जिसमें से आपके ऑप्शन में जो है वो उत्तर आपका है लॉर्ड हार्डिंग। हालांकि विलियम बेंटिक ने भी इसके लिए काम किया है, लेकिन कानून जिसके टाइम पीरियड में बना है वो है लॉर्ड हार्डिंग। आपने नाम सुना होगा, एक जनजाति है जिसका नाम था खोंड। खोंड जनजाति जो है ये मानव बलि या नर बलि देती थी, याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, ईश्वर चंद विद्यासागर द्वारा चलाए गए सामाजिक सुधार आंदोलन में प्रमुख था, इनमें से कौन सा जो है आंदोलन, जो ईश्वर चंद विद्यासागर के द्वारा चलाए गए आंदोलनों में से प्रमुख है, आपको वो बताना है। पहला है जाति प्रथा पर रोक, दूसरा है विधवा पुनर्विवाह, तीसरा है सती प्रथा और चौथा है, मतलब सती प्रथा पर रोक और चौथा है नर बलि प्रथा पर रोक। तो इसका उत्तर तो आप सभी को पता है, बिकॉज ये वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट। आप सभी को पता है कि ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयास से ही 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। इसके लिए सबसे ज़्यादा जाने जाने वाले व्यक्ति हैं। और ये टाइम पीरियड किस गवर्नर जनरल का था, अगर आपको पता है तो फटाफट कमेंट कीजिएगा। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था या भारत का वायस राय कौन था? नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, 19वीं सदी में भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में किनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है? फटाफट कमेंट कीजिएगा कि 19वीं सदी में भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में किनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है? पहले है ब्रिटिश सरकार, दूसरा है ईसाई धर्म प्रचारक और तीसरा है प्रबुद्ध भारतीय और चौथा है कि सभी। फटाफट कमेंट करेंगे, 19वीं सदी में भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में किसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान था? निश्चित तौर पे आप सभी को ये चीज़ें पता होनी चाहिए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है ये बिल्कुल सही है। ब्रिटिश सरकार ने भी किया है, ईसाई धर्म प्रचारकों ने भी किया और प्रबुद्ध भारतीयों ने भी शिक्षा के प्रसार को लेकर के बेहतर काम किया है। तो इन सभी ने भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, सभी बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा कथन कारण का है, कथन कारण है लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आप सभी को पता है कि ए में, बी में और सी में और डी में क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लोग इसको यूं ही बता दीजिएगा कि ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। आप सभी को पता है ए का मतलब होता है कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी, बी का मतलब होता है कथन कारण दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं, सी का मतलब है कि पहला सही है कथन सही है कारण गलत है, और डी का मतलब होता है कथन जो गलत है वो और कारण सही है। तो हम बताएंगे, वारन हेस्टिंग ने 1781 में कोलकाता में मदरसा की स्थापना की थी, कारण है मुस्लिम भारत में कंपनी के शासन को बौद्धिक और नैतिक रूप से अपना समर्थन देते थे। क्या मुस्लिम भारत में कंपनी के शासन को बौद्धिक और नैतिक रूप से अपना समर्थन देते थे? क्या बातें सही हैं? अब बताइएगा ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है आप लोग इसका उत्तर बता सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन सेंस का है और आसान भी है। और आप सभी को ये पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, कथन सही है, बिल्कुल सही है कि 1781 में
कोलकाता में मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग ने किया है, लेकिन कारण सही नहीं है कि मुस्लिम जो हैं ये भारत में कंपनी के शासन को बौद्धिक और नैतिक रूप से अपना समर्थन दे रहे थे। नहीं, ये समर्थन नहीं दे रहे थे, इसलिए आपका दूसरा जो है ये सही नहीं है। कथन सही है लेकिन कारण सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, बेहद आसान क्वेश्चन है आप सभी के लिए, सभी का उत्तर सही आएगा मुझे पता है। भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम नेता किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, दूसरा है दयानंद सरस्वती, तीसरा है राजा राम मोहन राय और चौथा है रविंद्रनाथ टैगोर। तो निश्चित ही इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, आप सभी को पता है कि राजा राम मोहन राय को ही पुनर्जागरण का पिता, पुनर्जागरण का अग्रदूत या पुनर्जागरण का जनक या आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, ये भी आपके लिए बेहद आसान होगा बिकॉज कल भी आप लोगों ने ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय को काफी अच्छे से पढ़ा है, तो आज आपको बताना काफी आसान होगा राजा राम मोहन राय के बारे में कौन सा कथन है जो कि सत्य है। पहला है उन्होंने मूर्ति पूजा और निरर्थक धार्मिक कृत्यों के प्रचलन का विरोध किया। दूसरा, उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध सामाजिक आंदोलन चलाया। और तीसरा है उन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया। और चौथा है कि सभी बातें सत्य हैं। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग, निश्चित तौर पे आज सभी का उत्तर सही होगा बिकॉज आप सभी ने कल क्लास में सारी चीज़ें डिस्कशन की हैं कि इसमें लिखी हुई सारी बातें बिल्कुल सही हैं, कोई समस्या है ही नहीं इसमें। चलिए बच्चा लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज का सर्व प्रमुख उद्देश्य क्या था? यानी कि इसमें उद्देश्य जो दिए हुए हैं ये सारे हो सकते हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे मेन था वो कौन सा उद्देश्य था राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज का? पहला है हिंदू धर्म में सुधार करना और एकेश्वरवाद की शिक्षा देना। दूसरा, महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करना। तीसरा है बंगाल में किसानों की स्थिति में सुधार करना। और चौथा है भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार करना। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग कि कौन सा है जो मेन उद्देश्य है ब्रह्म समाज का। निश्चित तौर पे आप सभी को ये पता होगा कि आपका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, वो है हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, जो आडंबर हैं उनमें सुधार करना और एकेश्वरवाद की शिक्षा देना, ये आपका सबसे मेन है। बाकी चीज़ें गौड़ हैं यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद आसान है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। 1817 में कलकत्ता में या कोलकाता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया है? आपको टाइम पीरियड भी पता होना चाहिए, साथ ही स्थापना किसने किया ये भी पता होना चाहिए। उम्मीद है कि ये पता भी होगा क्योंकि आयोग के द्वारा पूछा हुआ बार बार क्वेश्चन है। पहला है राजा राम मोहन राय, दूसरा है दयानंद सरस्वती, तीसरा है डेविड हेयर और चौथा है बहराम जी एम मालाबारी। बताएंगे बच्चा लोग इसमें से कौन है वो महापुरुष जिन्होंने कोलकाता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? उम्मीद है कि आप लोग इसका उत्तर दे पाएंगे और ये बहुत ही बेहतरीन है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। डेविड हेयर ने ही 1817 में कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। याद रखिएगा ये भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण देने वाले व्यक्तित्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो कि सही है आपको ये बताना है। पहला है राजा राम मोहन राय ने भारतीय विद्या और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान की पढ़ाई के लिए वेदांत कॉलेज की स्थापना की। दूसरा है राजा राम मोहन राय ने अपनी पुस्तक एकेश्वरवादियों को उपहार में एकेश्वरवाद के पक्ष में तर्क दिया। तीसरा है कि दोनों बातें सही हैं और चौथा है कि इनमें से कोई भी सही नहीं है। फटाफट उत्तर दीजिएगा बच्चा लोग, उम्मीद है कि आप लोग इसका उत्तर देने में बिल्कुल सक्षम होंगे। कल की क्लास और आज की क्लास मिला के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज के बारे में। तो निश्चित ही बच्चा लोग दोनों बातें सही हैं, राजा राम मोहन राय ने भारतीय विद्या और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान की पढ़ाई के लिए वेदांत कॉलेज की स्थापना की है, बिल्कुल सही। और दूसरा तो बिल्कुल सही ही सही है, कल की क्लास में आप लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो निश्चित तौर पर बच्चा लोग दोनों बातें बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट देखिए, यंग बंगाल आंदोलन का आरंभ किसने किया था? ये क्वेश्चन भी आसान है और इम्पॉर्टेंट भी। टी एन नायर हैं, दूसरा है ज्योतिबा फुले, तीसरा हेनरी डेरोजियो और चौथा है डेविड हेयर। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई दम नहीं है, हालांकि एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है।
हेनरी विवियन डेरोजियो ने ही यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की थी, और ये आपने कल के क्लास में भी पढ़ा था। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, यंग बंगाल आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि सही है। पहला, इस आंदोलन के नेता हेनरी विवियन डेरोजियो फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित थे, क्या ये बात सही है। दूसरा, इस आंदोलन ने अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण भारतीय समाज के सभी वर्गों का समर्थन हासिल किया था, क्या इस आंदोलन ने भारत के सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त किया। और चौथा है, केवल पहला सही है, और मतलब तीसरा केवल पहला और चौथा है कि दोनों बातें सही हैं। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आपका दूसरा सही नहीं है बच्चा लोग, क्योंकि सभी वर्गों को समर्थन इन्होंने नहीं प्राप्त किया। सभी वर्गों का समर्थन तो सिर्फ और सिर्फ गांधी ही पहले व्यक्ति हैं जो प्राप्त कर पाए थे, उन्होंने ही सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त किया था। उसके पहले कोई ऐसा आंदोलन नहीं है जिसको सभी वर्गों ने समर्थन किया हो। पहला आपका बिल्कुल सही है कि इस आंदोलन ने के नेता हेनरी विवियन डेरोजियो फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित थे। आप सभी को पता है समानता, बंधुत्व, स्वतंत्रता, इन सब की बात कौन करता है, फ्रांसीसी आंदोलन करता है। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी। पहला है सत्य शोधक समाज, दूसरा है महाजन सभा, तीसरा है आपका आत्मीय सभा, और चौथा है आपका तत्व बोधनी सभा। बताएंगे बच्चा लोग इसमें से कौन सा संगठन है जिसकी स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा किया गया है, और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। बहुत ही आसान है, निश्चित तौर पे कोई समस्या होगा ही नहीं आप लोगों को ये सॉल्व करने में। आप सभी को पता है कि तत्व बोधनी जो सभा है इसकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया है। सत्य शोधक समाज तो ज्योतिबा फूले का है। आत्मीय सभा आपने देखा था कि कल के ही क्लास में ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, तो इसमें कोई समस्या आप लोगों को होना ही नहीं है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। आधुनिक भारत के निर्माण में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के योगदान के संबंध में कौन सा कथन है जो कि आपका सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन है, उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा बंगाल में आधुनिक गद्य शैली के विकास में योगदान दिया। दूसरा, संस्कृत कॉलेज के दरवाजे गैर ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए खोल दिया। तीसरा, विधवा पुनर्विवाह के लिए लंबा संघर्ष किया। और चौथा, नारी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। और पांचवा की उपरोक्त सभी बातें सही हैं। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग, आधुनिक भारत के निर्माण में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का क्या योगदान है। बेहतरीन प्रश्न है और आप सभी के लिए सारे पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो नो डाउट इसमें आप लोगों को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। एक महान व्यक्तित्व हैं, और जो महान व्यक्तित्व होंगे वो निश्चित तौर पर हर वो अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे। इन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा बंगाल में आधुनिक गद्य शैली का विकास किया, बिल्कुल सही है, आप सभी को पता है। और इन्होंने संस्कृत कॉलेज के दरवाजे गैर ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए भी खोले, और विधवा पुनर्विवाह से तो ये बहुत लंबे संघर्ष तक जुड़े रहे, बिल्कुल सही है, और नारी शिक्षा को भी प्रोत्साहन दिया है इन्होंने। तो सारी बातें बिल्कुल करेक्ट है बच्चा लोग, निश्चित तौर पर कोई समस्या नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखिए, ये भी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी उपनाम से जाना जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, दूसरा है गोपाल हरि देशमुख, तीसरा है दादा भाई नौरोजी, और चौथा है बाल शास्त्री। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग, लोकहितवादी उपनाम से कौन जाने जाते हैं। उम्मीद है आप सभी लोग इसका उत्तर दे सकते हैं, बिकॉज ये बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें कोई समस्या होना ही नहीं चाहिए। कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है लोकहितवादी, और लोकमान्य आप सभी को पता है बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। 19वीं सदी में पश्चिमी भारत में सुधार आंदोलनों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा है जो सही है। यानी कि 19वीं सदी में पश्चिमी भारत में सुधार आंदोलन चलाए गए हैं, और इसके बारे में आपका कौन सा है जो कि सत्य है। पहला है, महाराष्ट्र में स्थापित परमहंस मंडली ने जाति पात के बंधनों को तोड़ने का काम किया है। दूसरा, दादा भाई नौरोजी पारसी धर्म सुधार संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं।
और तीसरा है विश्व शास्त्री पंडित ने विधवा विवाह समाज की स्थापना की, और चौथा है कि उपर्युक्त सभी बातें बिल्कुल करेक्ट हैं। बताएंगे बच्चा लोग कौन सी बातें हैं जो कि आपकी सही हैं। 19वीं शताब्दी में जो पश्चिम भारत में सुधार आंदोलन चलाए गए हैं उसके बारे में क्या बात है जो सही है। तो नो डाउट ये सारे पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आप सभी को ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं कि महाराष्ट्र में स्थापित परमहंस मंडली जात पात के बंधनों से मुक्त होने की बात करता है, तोड़ने की बात करता है। और दादा भाई नौरोजी एक पारसी हैं और उन्होंने पारसी धर्म सुधार संगठन की स्थापना भी की है, और आपके विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा विवाह समाज की स्थापना की है। ये बात भी बिल्कुल सही, यानी कि सारी बातें सही हैं। याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी क्या है, खुद एक पारसी हैं यानी कि पारसी धर्म से जुड़े हुए हैं, और ये काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, ज्योतिबा फूले के बारे में कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है। आपको बताना है ज्योतिबा फूले के बारे में कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है। पहला, वे केरल के समाज सुधार आंदोलन के पहले पंक्ति के नेता थे। दूसरा, उन्होंने उचित जातियों, यहाँ पे उचित नहीं होगा बल्कि ऊँची होगा, याद रखिएगा क्या है, ऊँची जातियों। दूसरा है आपका ऊंची जातियों, ऊंची जातियों यानी कि सबर्ड। उन्होंने ऊंची जातियों के प्रभुत्व और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध जीवन पर अभियान चलाया है। तो क्या ये बात सही है। तीसरा है आपका, उन्होंने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए स्कूल शुरू किया। और चौथा है कि इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो सही ना हो, यानी कि सभी सही हैं। अब बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही है। तो निश्चित तौर पे इतनी अच्छी अच्छी बातें की जा रही हैं, और ज्योतिबा फूले जैसे महान व्यक्तित्व को ये सारी बातें बिल्कुल सूट करती हैं। निश्चित ही आपका पहला भी बिल्कुल सही है कि केरल के समाज सुधार आंदोलन के पहले पंक्ति के नेता, अच्छा केरल के समाज सुधार कह रहा है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि क्या ये बात सही है कि ये केरल के समाज सुधार आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो आपका याद रखिएगा बच्चा लोग, आपका ये केरल नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे केरल नहीं होगा, ये केरल के थोड़ी है। ज्योतिबा फूले कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र के हैं ज्योतिबा फूले, इसलिए महाराष्ट्र के समाज सुधार को के आंदोलन में पहले पंक्ति के आएंगे, इसलिए आपका पहला गलत है, यानी कि ये सही नहीं है। दूसरा तो बिल्कुल सही, उन्होंने ऊँची जातियों के प्रभुत्व और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध जीवन भर अभियान चलाया था, और उन्होंने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए स्कूल भी खोले थे। बस इतना गलत हो गया, यहाँ पे केरल की जगह महाराष्ट्र हो जाता तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, ब्रह्म समाज के संबंध में कौन सा कथन है जो कि आपका सही है। आप सभी को ब्रह्म समाज काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुका है, बताएंगे कौन सा है जो सही है। पहला है, राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज की परंपरा को देवेंद्रनाथ ठाकुर ने आगे बढ़ाया था। दूसरा है, ब्रह्म समाज का अधिकांश प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों के किसान एवं मजदूरों पर था। तीसरा है कि केवल पहला सही, और चौथा है कि दोनों सही हैं। आसान है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, अगर आप विचार करेंगे तो ज़रूर इसका उत्तर बता सकते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पुनर्जागरण का टाइम पीरियड है, यानी कि समाज में बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ हैं और बुराइयाँ हैं, और ये कुरीतियाँ ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं जहाँ कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, जहाँ कम जागरूकता होती है। तो क्या इनके आंदोलन का इफेक्ट ग्रामीण क्षेत्रों में जाएगा? निश्चित तौर पे बच्चा लोग, कि ग्रामीण किसानों को नहीं बल्कि उच्च मध्यम वर्ग के हैं, तो उच्च मध्यम वर्ग के हैं तो सबसे ज़्यादा पहले प्रभावित किसे करेंगे, शहर के पढ़े लिखे उच्च मध्यम वर्ग को करेंगे, इसलिए दूसरा गलत है, केवल और केवल आपका पहला सही है कि राजा राम मोहन राय के बाद जो ब्रह्म समाज का कमान है वो देवेंद्रनाथ ठाकुर ने आगे बढ़ाया था, संभाला था। आगे चल के आपको पता है केशव चंद्र सेन भी आएंगे, उसके बाद वो दो भागों में बटेगा और फिर एक बार बटेगा, इस तरह से इसका बार बार विभाजन भी होगा। नेक्स्ट देखिए, 1849 में मुंबई प्रांत में स्थापित परमहंस मंडली का मुख्य उद्देश्य क्या था। 1849 में बंबई में स्थापित परमहंस मंडली जो था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी कि सारे उद्देश्य हो सकते हैं लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन क्या थीम थी, आपको ये बताना है।
पहला है नर बलि प्रथा का विरोध, दूसरा है विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन, तीसरा है मूर्ति पूजा तथा जाति प्रथा का विरोध, और चौथा है लोगों में पाश्चात्य शिक्षा तथा दर्शन का प्रसार करना। बताएंगे बच्चा लोग, बेहद इम्पॉर्टेंट है और आसान है। परमहंस मंडली की स्थापना जो मुंबई में हुआ है 1849 में, वो किस मुद्दे को लेकर के हुआ, यानी कि मेन मुद्दा क्या था, आपको ये बताना है। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। क्या होगा? मूर्ति पूजा और जाति प्रथा का विरोध। ये अपने आप में बहुत जटिल समस्या थी हमारे समाज का, और आज भी ये समस्या है बहुत जटिल, आज भी समाज की बहुत बड़ी समस्या है। तो ये सबसे मेन बात है, बाकी चीज़ें भी उससे जुड़ी हुई हैं, लेकिन मेन जो था वो मूर्ति पूजा और जाति प्रथा का विरोध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, प्रार्थना समाज के संबंध में कौन सा कथन है जो कि सही है, विचार कीजिए। पहला, यह ब्रह्म समाज से बहुत प्रभावित था। दूसरा, इसने एक ईश्वर की पूजा का प्रसार किया। तीसरा, तेलुगु सुधारक बेरे सिलिंगम ने इसका प्रसार दक्षिण भारत में किया। और चौथा है कि सभी बातें सही हैं। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग, प्रार्थना समाज के बारे में क्या सही है। जितने भी समाज उस समय स्थापित हुए थे, चाहे प्रार्थना समाज हो, चाहे ब्रह्म समाज हो, चाहे थियोसोफिकल सोसाइटी हो, या जो भी सुधार आंदोलन चलाए गए, वो सब अच्छी बातों को लेकर के ही आए हैं। तो नो डाउट आप सभी को ये चीज़ें पता हैं कि ये सारी बातें बिल्कुल ही करेक्ट हैं, यानी कि यह ब्रह्म समाज से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। दूसरा, इसने भी एक ईश्वर की पूजा का प्रसार किया, अगर प्रभावित है तो निश्चित तौर पे करेगा। और तेलुगु जो सुधारक हैं बेरे सिलंगम, इन्होंने इसको दक्षिण भारत में भी प्रसार प्रचार किया है। तो निश्चित ही बच्चा लोग सारी बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट देखिए, 1897 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने किया है 1897 में। ये डेट भी याद रखिएगा, यानी कि ये जो ईयर है ये भी याद रखिएगा कब किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है भारत में पाश्चात्य शिक्षा तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। दूसरा है सामाजिक कल्याण तथा समाज की सेवा करना। तीसरा है भारत में वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार करना। और चौथा है मूर्ति पूजा तथा जाति प्रथा का विरोध करना। तो आपको बताना है, देखिए प्रमुख उद्देश्य होता है जो एक मेन एजेंडा होता है, बाकी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन मेन जिसके ऊपर वो सबसे ज़्यादा जोर देते हैं वो एक ही मेन होता है, बाकी चीज़ें उसके साथ होती हैं, जो गॉड होती हैं। आपको बताना है उनका मेन क्या था, और आपके लिए काफ़ी बेहतरीन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। विवेकानंद मानव कल्याण पर सबसे ज़्यादा जोर देते हैं, सबसे ज़्यादा वो मानव की भलाई की बात करते हैं। मैक्सिमम लोगों के लिए बढ़िया हो, विश्व बंधुत्व बढ़े, आपस में प्यार हो, लोग एक दूसरे को समझे, जाति जैसी चीज़ें ना हो, लोग पढ़े लिखे और समाज उच्च हो, ऐसा ये चाहते हैं। तो क्या हो जाएगा, समाज कल्याण और समाज की सेवा करना, ये इनका मेन उद्देश्य है। और इसके लिए जो भी करना पड़े वो सब करने को तैयार है, चाहे वो पाश्चात्य शिक्षा लाना हो, जाति प्रथा और मूर्ति पूजा का विरोध करना हो, या वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार करना हो, ये सारी चीज़ें इसी में समाहित हो जा रही हैं। बच्चा लोग आपका दूसरा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बेहतरीन है। विभिन्न संस्थाओं या संगठनों तथा उनके संस्थाप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। एक तरफ संस्थापक हैं और दूसरी तरफ उनके द्वारा स्थापित संस्थाएं हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो कि सही सुमेलित है। पहला है आर्य समाज, क्या इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया है। दूसरा है थियोसोफिकल सोसाइटी, क्या इसकी स्थापना एनी बेसेंट ने किया है। तीसरा है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, क्या इसके संस्थापक सैयद अहमद खान हैं। और चौथा है आत्मीय सभा, क्या इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। तो आपको बताना है कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, इसमें से कोई एक है जो सुमेलित नहीं है बच्चों, आपको वो बताना है। यानी कि सुमेलित है करेंगे तो सभी सुमेलित मतलब नहीं है, इसमें से कोई एक है जो सुमेलित नहीं है। और जो सुमेलित नहीं है वो आप सभी को पता है कि वो कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। कोई समस्या आप लोगों को होना ही नहीं चाहिए इसमें।
आप सभी को पता है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने नहीं किया है, बल्कि मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट ने किया है। इन्होंने तो भारत में इसका प्रचार प्रसार किया है। बाकी बातें बिल्कुल सही हैं, आर्य समाज के संस्थापक, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक और आत्मीय सभा के संस्थापक। ये सारी बातें आसान हैं, आप सभी को पता है, निश्चित तौर पर कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में क्या है जो सत्य नहीं है। पहला, उन्होंने दक्षिण भारत में हिंदू धर्म के सुधार के लिए आर्य समाज की स्थापना की। क्या ये बात सही है कि दयानंद सरस्वती दक्षिण भारत में वर्क कर रहे हैं। दूसरा, यह मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुरोहितवाद और ब्राह्मणों द्वारा प्रचलित हिंदू धर्म के विरोधी थे। तीसरा, उन्होंने वेदों की ओर लौटों का नारा दिया। और चौथा, इनके द्वारा स्थापित आर्य समाज का एक उद्देश्य हिंदुओं को धर्म परिवर्तन से रोकना भी था। बताइए बच्चा लोग, कौन सा है जो कि आपका सत्य नहीं है। बेहतरीन प्रश्न है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन कन्फ्यूजन होने जैसा कोई बात नहीं है। आप सभी को पता है, उन्होंने दक्षिण भारत में हिंदू धर्म के सुधार के लिए आर्य समाज की स्थापना नहीं की। हालांकि दक्षिण भारत यानी कि इन्होंने महाराष्ट्र में स्थापना किया है, लेकिन महाराष्ट्र प्योरली दक्षिण भारत में नहीं है। इन्होंने जो सुधार आंदोलन चलाए हैं वो उत्तर भारत और मध्य भारत में चलाए हैं, तो ये दक्षिण भारत नहीं होगा, बल्कि उत्तर भारत में इन्होंने ज़्यादा काम किया है। भले ही स्थापना मुंबई में किया, तो मुंबई आपका पूरी तरह से दक्षिण में नहीं है, इसलिए आपका पहला सही नहीं है। बाकी सही, उन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुरोहितवाद और ब्राह्मणों द्वारा जो प्रचलित हिंदू धर्म में बहुत सारी कुरीतियाँ थीं, ऐसे धर्म के विरोधों को विरोध किया और वेदों की ओर लौटों का नारा दिया। साथ ही धर्म परिवर्तन से रोकने का प्रयास किया, शुद्धिकरण जैसे आंदोलन चला के वापस धर्म में लाने का भी प्रयास किया था। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो कि सही है। पहला है, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अड्यार में था। दूसरा है, थियोसोफिकल सोसाइटी ने हिंदुत्व, जरथुस्ट और बौद्ध मत जैसे प्राचीन धर्मों को पुनर्स्थापित तथा मजबूत करने का प्रयास किया। तीसरा है, केवल पहला सही है। और चौथा है कि दोनों सही हैं। निश्चित ही बच्चा लोग, कोई समस्या आप लोगों को नहीं होना चाहिए। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं थियोसोफिकल सोसाइटी के बारे में कि इसका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था, प्राचीन धार्मिक दर्शन को स्थापित करना, विश्व बंधुत्व को बढ़ावा देना। तो निश्चित ही आप सभी को पता है कि दोनों बातें बिल्कुल ही सही हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय मद्रास के अड्यार में था, 1882 में स्थापित हुआ, एनी बेसेंट ने प्रचार प्रसार किया, ये सब आपको पता है। और ये हिंदुत्व, जरथुस्ट और बौद्ध मत के प्राचीन धर्मों के पुनरुत्थान को मजबूती से आगे लाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये धर्म अच्छे हैं, इनमें अच्छी बातें की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, आयोग के द्वारा पूछा हुआ है। बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। पहला एनी बेसेंट, दूसरा मदन मोहन मालवीय, तीसरा है दयानंद सरस्वती और चौथा है बाल गंगाधर तिलक। बताएंगे बच्चा लोग, बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना किसने किया है, ये आपको बताना है। और आप लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, याद रखिएगा, ये आपका केंद्रीय हिंदू विद्यालय है बनारस का, आपको बताना है ये किसने किया है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन मत होइएगा, एनी बेसेंट है। केंद्रीय हिंदू विद्यालय आ जाए तो एनी बेसेंट होंगी, लेकिन अगर आ जाता केंद्रीय हिंदू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तब क्या होता, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो जाता तो मदन मोहन मालवीय हो जाता। यही केंद्रीय हिंदू मतलब जो विद्यालय है, यही आगे चल करके हिंदू विश्वविद्यालय बनारस का बन जाएगा, जिसको मदन मोहन मालवीय इस्टैब्लिश करेंगे। लेकिन इसकी न्यू देखिए एनी बेसेंट ने ही डाल दी है, याद रखिएगा, जब केंद्रीय हिंदू विद्यालय आए तो एनी बेसेंट, और जब बनारस का विश्वविद्यालय आएगा तब क्या हो जाएगा, तब आपका हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, मज दयासन सभा के संबंध में किस धर्म में सुधार का समय, यानी कि जो मज दयासन सभा है ये किस धर्म के जो है सुधार के लिए लाया गया है। मज दयासन सभा को रहनुमाई मज दयासन सभा भी कहते हैं। रहनुमाई मज दयासन सभा
का जो संबंध है वो किस धर्म के सुधार से है? पहला है यहूदी, दूसरा है पारसी, तीसरा है सिख और चौथा है हिंदू। बताएंगे बच्चा लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। 1851 में रहनुमाई मजदयासन सभा की जो स्थापना है ये नौरोजी फर्दून जी या दादा भाई नौरोजी, इन सभी ने मिलके किया है। नौरोजी फर्दून जी और दादा भाई नौरोजी ने मिलके मजदयासन सभा की स्थापना की है। और निश्चित तौर पे कौन सा धर्म हो सकता है? पारसी धर्म। ऑप्शन नंबर दो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो लिख ये, इसको याद रखिएगा, कौन कौन है इससे जुड़े हुए? रहनुमाई मजदयासन सभा से इससे जुड़े हुए हैं नौरोजी फर्दून जी और दादा भाई नौरोजी, दो व्यक्ति हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कौन सा है जो सही है। आपके आज के क्लास में 30 प्रश्न हैं, लास्ट प्रश्न वाले और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी ने मुस्लिमों में या मुसलमानों में धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रश्नों पर विचार विमर्श को बढ़ावा दिया, क्या ये बात सही है? दूसरा कह रहा है सैयद अहमद खान द्वारा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना इस्लामिक धर्म तथा शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए किया गया। अब आपको बताना है कूट की सहायता से कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग, कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। और उम्मीद है कि आप लोग इसमें कंफ्यूज ज़रूर होंगे। पहला देख लीजिए, मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी ने मुसलमानों में धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रश्नों पर विचार विमर्श को बढ़ावा दिया। तो याद रखेंगे, कोई समस्या नहीं है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है सर सैयद अहमद द्वारा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना इस्लामिक धर्म तथा शिक्षा का प्रसार करने के लिए किया गया, ना ये सही नहीं है बच्चा लोग। इस्लामिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए नहीं किया गया है, इसकी शिक्षा नहीं बल्कि आधुनिक शिक्षा के प्रसार प्रसार के लिए किया गया है। याद रखिएगा, आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए इसका स्थापना अलीगढ़ में किया गया। आगे चल के ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में भी विख्यात हो जाएगा। तो आपका पहला सही है लेकिन दूसरा सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। 1920 में पंजाब में शुरू हुई अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था बच्चा लोग, जो 1920 में शुरू हुआ है? पहला ऑप्शन है सिखों को लड़ाकू सैनिक में परिवर्तित करना, दूसरा है सिखों में आधुनिक ज्ञान तथा विज्ञान का प्रसार करना, तीसरा है सिख महिलाओं को पुरुषों के बराबर सामाजिक आर्थिक अधिकार दिलवाना, और चौथा है गुरुद्वारों के संबंध के प्रबंध का शुद्धिकरण करना। इसमें से कौन सा उद्देश्य था जो 1920 में पंजाब में शुरू हुआ अकाली आंदोलन था? तो याद रखिएगा, अगर नहीं पता है तो आप लोगों को पता हो कि ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है, गुरुद्वारों के प्रबंधन का शुद्धिकरण करना इसका मेन उद्देश्य था। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेहद इंपॉर्टेंट है। 19वीं तथा 20वीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलनों के संबंध में कौन सा कथन है जो सही है? 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो धार्मिक आंदोलन चलाए गए उसके बारे में क्या सही है बच्चा लोग? आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और शानदार प्रश्न है। यह धार्मिक सुधार आंदोलन एक मिनट बच्चा लोग, इसमें थोड़ा सा बुद्धिवाद होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बुद्धिवाद हो जाएगा। याद रखिएगा, ये है आपका बुद्धिवाद और मानवतावाद के सिद्धांत पर आधारित है। क्या ये बात सही है कि जो धार्मिक आंदोलन चलाए गए, सुधार आंदोलन, वो बुद्धिवाद और मानवतावाद पर आधारित थे? दूसरा, इन आंदोलनों ने उभरते हुए मध्य वर्ग तथा आधुनिक शिक्षा प्राप्त लोगों को सबसे अधिक प्रभावित किया। बताएंगे बच्चा लोग, कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। 19वीं-20वीं शताब्दी में जो धार्मिक आंदोलन चलाए जा रहे, निश्चित तौर पे वो क्या होंगे? वो बुद्धिवाद और मानवतावाद के सिद्धांतों पर आधारित होंगे। कुरीतियों, रूढ़ियों और बुराइयों का जो है खंडन करेंगे, और सबसे पहले किसको प्रभावित करेंगे? जो पढ़ा लिखा शिक्षित आधुनिक शिक्षा से युक्त मध्यम वर्ग है। तो दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है बच्चा लोग, दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है, धार्मिक सुधार आंदोलनों के नकारात्मक पक्षों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए।
आपको बताना है जो धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए गए उसके कुछ नकारात्मक पक्ष भी देखने को मिले। इसमें से वो कौन से नकारात्मक पक्ष हैं जो धार्मिक सुधार आंदोलनों के हैं? कॉमन सेंस का है, बेहद इंपॉर्टेंट है, फटाफट उत्तर दीजिएगा। इन आंदोलनों की पहुंच किसानों तथा नगरों की गरीब जनता तक नहीं थी। क्या ये बात सही है कि जो किसान हैं, जो नगरों की गरीब जनता है, उनके पास ये आंदोलन नहीं पहुंचा? दूसरा, अतीत की महानता तथा धर्म ग्रंथों को आधार बनाने के कारण इसमें मानव बुद्धि तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण की श्रेष्ठता के विचार को धक्का पहुंचाया। तीसरा, धर्म में ज़रूरत से ज़्यादा जोर देने पर समाज में फूट की प्रवृत्ति भी पड़ी। तो आपको बताना है नकारात्मक पक्ष क्या है, और ये बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। ए में है केवल पहला, बी में है दूसरा, तीसरा, सी में है केवल तीसरा, और डी में है कि सभी बातें सत्य हैं। इन सभी को नकारात्मक पक्ष के रूप में देखा जा सकता है। तो नो डाउट बच्चा लोग, बिल्कुल सही है, ये सभी हैं नकारात्मक पक्ष। इस आंदोलन की पहुंच किसानों और नगरों की गरीब जनता के तक नहीं पहुंची। दूसरा, ये अतीत की महानता की बातें करते हैं, धार्मिक ग्रंथों की बातें करते हैं, मानव की बुद्धि और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की श्रेष्ठता को इससे क्या लगा, धक्का लगा कि ये लोग प्राचीन चीज़ों का ही राग अलाप रहे हैं, और साथ ही ज़रूरत से ज़्यादा धर्म पर जोर देने की वजह से समाज में फूट भी पड़ गया। तो ये तीनों नकारात्मक पक्ष हैं। और आज का आपका लास्ट प्रश्न है, और आपके लिए आसान प्रश्न है। औपनिवेशिक काल के दौरान किन कारकों ने जाति प्रथा को कमजोर करने का काम किया? इनमें से कौन सी चीजें हैं जिन्होंने जाति प्रथा को कमजोर करने का काम किया है? आपको बताना है कूट की सहायता से। पहला है रेलवे, क्या रेलवे ने जाति प्रथा को कमजोर किया? दूसरा है डाक व्यवस्था, क्या डाक व्यवस्था ने जाति प्रथा को कमजोर किया? तीसरा है आधुनिक व्यापार उद्योग, और चौथा है नई शिक्षा प्रणाली। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो जाति प्रथा को कमजोर करने का काम कर रहा है, केवल पहला तीसरा या दूसरा तीसरा, या जो है यहाँ पे आपका हो जाएगा पहला दूसरा तीसरा, ये आपका यह चौथा हटा दे रहे हैं, पहला दूसरा चौथा, मतलब पहला तीसरा चौथा, या आपका उपरोक्त सभी, बताएंगे कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। फटाफट कमेंट करेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही बेहतरीन है, याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, पहला तीसरा चौथा। क्योंकि रेलवे में एक साथ लोग सफ़र करने लगे, साथ साथ उठने लगे, बैठने लगे, तो जाति प्रथा कमज़ोर हुई। आधुनिक जो व्यापार है और उद्योग है, इसमें भी लोग साथ साथ काम करने लगे, सभी जातियों के लोग साथ में काम करेंगे तो निश्चित तौर पर कमज़ोर होगा। नई शिक्षा प्रणाली में सभी लोगों को शिक्षा का अधिकार दिया गया, सभी लोग साथ में पढ़ेंगे लिखेंगे, जागरूकता आएगी, तो जाति प्रथा कमज़ोर होगा। लेकिन डाक व्यवस्था से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो याद रखेंगे बच्चा लोग ऑप्शन नंबर थ्री सही है। उम्मीद है आज की क्लास भी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत सारी नई बातें जानने को मिली होंगी, साथ ही पुराना रिविज़न हुआ होगा और आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करके बेहतर लगा होगा। हम लोग ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन को डेली सॉल्व करेंगे। आप डेली अपना समय बचाएँ और नेट बचाएँ और क्लास में ज़रूर उपस्थित रहें और ऐसे बहुमूल्य चीज़ों को अपने जीवन में शामिल करें ताकि आपको सफलता जल्द से जल्द प्राप्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे बच्चा लोग इसी समय बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, आप सभी को धन्यवाद।